हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्मार्ट रैंकर्स क्लासेस के एक बेहतर वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के यूपी बोर्ड के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि पहले चैप्टर से है। इसका मतलब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के अध्याय 1 के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अध्याय को। इसमें हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे और इसका नोट्स भी पीडीएफ फॉर्म में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब और अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया शब्द को सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है। रासायनिक का मतलब होता है केमिकल, और केमिकल का मतलब जैसे आप लोग नाम सुने होंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, वाटर, और फिर अल्कोहल, एसिटिक एसिड, बहुत सारे नाम सुने होंगे। तो ये सभी चीज क्या है, एक तरीके का केमिकल है, या जो भी चीजें आप कहीं पे भी यूज करते हो जिससे किसी न किसी तरीके से सुरक्षा हम लोग को मिल सकती है, या अगर हम लोग मेडिसिन बोले तो मेडिसिन भी एक तरीके का क्या है, केमिकल है। किसी भी चीज को आप यूज करें तो एक न एक रूप में केमिकल के फॉर्म में ही है। तो एक केमिकल में किस तरीके से अभिक्रिया होती है और एक केमिकल अभिक्रिया करके किस तरीके से अलग अलग चीजों को बनाते हैं। जैसे आप अगर सिंपल से सोप को देखो, साबुन को देखो, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हर एक चीज में क्या हो रही, अलग अलग चीजें केमिकल क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तब जाके हमारा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बनता है। तो उसके बीच में अभिक्रिया किस तरीके से होता है, इसी चीज को आज के इस वीडियो में देखना है। और उस अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, वही सब चीजों को आज के इस वीडियो में हम लोग एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो वो किस तरीके से अभिक्रिया हो रही है और अभिक्रिया के दौरान किस तरीके का परिवर्तन हो रहा है और किस तरीके के परिवर्तन को हम लोग अभिक्रिया में देखते हैं, सबसे पहले इसको जानना जरूरी है। तो जब भी अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया के दौरान दो तरीके के परिवर्तन होते हैं, एक तुम्हारा होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। अब बात आती है कि भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या है और रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या है। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब ये है कि पदार्थ जो रहेगा, जो वस्तु रहेगा, जो केमिकल रहेगा, उसका केवल आकार, आकृति और अवस्था बदलेगी। मतलब कोई भी नया पदार्थ वहां पे नहीं बनेगा। जैसे मार्कर है तो मार्कर का यहां से कैप हटा दिए, यहां से निकाल के ये चीज हम लोग क्या किए, इसको हटा दिए, लेकिन ये वास्तव में है क्या, मार्कर है, बस इसका क्या बदल रहा है, आकार बदल रहा है। अभी इसका आकार कुछ और था, अब इसका मैंने कैप हटा दिया तो इसका आकार कुछ और हो गया। तो एक तरीके का ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। बर्फ आप लोग देखी होगी, बर्फ को अगर हम लोग खुले में छोड़े तो वो किस में चेंज हो जाता है, वाटर में चेंज हो जाता है, पानी में चेंज हो जाता है। तो उस कंडीशन में फिर क्या, अगर हम लोग देखें तो जो पानी में चेंज हुआ है उस पानी को फिर हम लोग बर्फ बना सकते हैं, इजिली से बना सकते हैं। अगर उसको हम लोग फ्रिज में रख दें तो इजिली तरीके से क्या हो सकता है, बर्फ बन जाएगा। तो ऐसी परिवर्तन या ऐसा परिवर्तन जिसमें जो पदार्थ हमारा पहले यूज हुआ है और उस पहले वाले पदार्थ से जो हमारा दूसरा पदार्थ बन रहा है, उस दूसरे वाले पदार्थ से फिर अगर हम लोग पहले वाले पदार्थ को पा जाते हैं तो उस अभिक्रिया को हम लोग या उस परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहेंगे, और उसमें जो अभिक्रिया होगी उस अभिक्रिया को हम लोग भौतिक अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर बात। जैसे अगर हमारे पास कोई कागज का टुकड़ा है तो कागज के टुकड़े को हम लोग क्या कर दिए, अगर फाड़ के अलग अलग कर दिए, तो यहाँ पे जो कागज का टुकड़ा है वो आपका ग्लास नहीं बन जाएगा, वो रहेगा तो कागज का टुकड़ा, या ऐसा नहीं होगा कि वो लोहा बन गया, नहीं, वो क्या रहेगा, कागज का टुकड़ा ही रहेगा। मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया चीज नहीं बन रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। जैसे अगर आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल दूं कि मोमबत्ती को हम लोग पिघला रहे हैं, मोमबत्ती को पिघला रहे हैं, तो वो बताइए कि भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है। तो मोमबत्ती को पिघलाएंगे, मोमबत्ती हमारा सॉलिड स्टेट में है, कैंडल जो होता है वो हमारा सॉलिड स्टेट में, अब पिघला दिए तो किस स्टेट में चला गया, लिक्विड स्टेट में चला गया। लिक्विड स्टेट में गया, फिर उसको अगर हम लोग कुछ टाइम के लिए रख दें तो फिर वो मोमबत्ती के फॉर्मेट में आ जाएगा, इजी तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ये जो परिवर्तन हुआ, मोमबत्ती का पिघलना फिर मोमबत्ती का वापस मोमबत्ती के फॉर्म में आना, ये भी हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन है। एक और मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आपके पास मान लो कोई फ्रूट्स है, कोई फल है, मान लो मैंगो, ये तो मैंगो को काट काट के उसका अलग अलग टुकड़ा कर दो,
मैंगो को काट के अलग टुकड़ा कर दो, तो अब उसको खाओगे तो ऐसा तो नहीं रहेगा ना कि वो एप्पल का टेस्ट देगा आपको, नहीं ना, वो जब भी टेस्ट देगा तो मैंगो का ही टेस्ट देगा। तो मतलब वहां पे भी कोई भी चीज में परिवर्तन नहीं हो रही, बस मैंगो का छोटा छोटा टुकड़ा बन जा रहा है। तो इस तरीके के परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहेंगे। अब बात यह आती है कि भौतिक परिवर्तन में क्या क्या चेंजेस देखने को हम लोगों को मिलती है। तो भौतिक परिवर्तन जो होता है उसमें पदार्थ का आकार और आकृति चेंज हो जाता है। जैसे अगर हमारे पास कोई लोहा का टुकड़ा है, उसको हम लोग पिघला दिए, अब उस लोहे के टुकड़े से हम लोग क्या कर सकते हैं, दरवाजा भी बना सकते हैं, उससे हम लोग फैन भी बना सकते हैं, ठीक ना, खिड़कियां बना सकते हैं, बहुत सारी चीज, छड़ बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें, ठीक ना। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि ये सभी चीजों में क्या हुआ है, लोहा ही यूज हुआ है। तो अब इसको अगर हम लोग देखें तो वो वास्तव में लोहा ही है ना, बस उसका क्या हो गया है, अलग अलग आकार उसको दे दिया गया है, लेकिन वो है क्या, लोहा ही है। तो इस तरीके का जो परिवर्तन रहेगा वो हमारा भौतिक परिवर्तन रहेगा। तो भौतिक परिवर्तन में आकार चेंज हो सकती है, अवस्था चेंज हो सकती है। अवस्था चेंज होने का मतलब वो सॉलिड स्टेट में है तो हो सकता है वो लिक्विड स्टेट में हो जाए, लिक्विड स्टेट में है तो हो सकता है वो गैसीय स्टेट में हो जाए। जैसे अगर हम लोग पानी को फ्रिज में रखते हैं तो वो बर्फ में बन जाएगा, बर्फ से निकालेंगे तो फिर वो पानी में चेंज हो जाएगा, फिर पानी को गर्म करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वाष्प में चेंज हो जाएगा। तो ये उसका केवल क्या चेंज हो रहा है, अवस्था चेंज हो रहा है, ना कि ऐसा नहीं कि पानी आपका बन गया रसमलाई तुरंत खा के पेट में खत्म कहानी, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है ना। तो ये चीज ध्यान रखना कि भौतिक परिवर्तन के दौरान उस पदार्थ का केवल क्या चेंज होता है, अवस्था चेंज हो सकता है, आकृति चेंज हो सकता है, उसके भौतिक गुण में परिवर्तन हो सकता है। क्लियर बात। एग्जाम्पल में आप लोग देख क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे लकड़ी का काटना, सेब को काटना, बल्ब का जलना, ठीक ना, बर्फ का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, ये सब तुम्हारा क्या है, भौतिक परिवर्तन का। अब भौतिक परिवर्तन में देखिए अगर हम लोग, तो भौतिक परिवर्तन एक तरीके का हमारा अस्थाई परिवर्तन है, अस्थाई परिवर्तन, अनस्टेबल चेंज। अस्थाई परिवर्तन कहने का मतलब क्या है, पानी बन गया, अब पानी से हम लोग बर्फ बना लेंगे इजी तरीके से, फिर बर्फ से फिर पानी बना लेंगे, तो कोई इसका स्थाई है, ऐसा नहीं है ना कि बर्फ अब बन गया तो अभी पानी नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए भौतिक परिवर्तन जो होती है वो क्या होती है, एक तरीके का अस्थाई परिवर्तन होती है। क्लियर बात। अब भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ रहता है वो उस पदार्थ के निर्माण में क्या होता है, जो अभिक्रिया होती है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है। दोनों दिशाओं में चलने का मतलब अगर हम लोग बर्फ से पानी बना रहे हैं तो पानी से बर्फ भी बन रहा है। अगर हम लोग देखें जैसे कागज का हमारे पास ढेर सारा टुकड़ा कर दिए तो फिर हम लोग उसको किसी न किसी तरीके से जोड़ के फिर कागज बना सकते हैं। तो इस तरीके का जो चेंजिंग रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। क्लियर बात। तो वही कहानी यहां पे लिखा होगा सबसे पहले भौतिक परिवर्तन में, जो कि मैंने आपको समझाया है। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का भौतिक अवस्था, आकार, आकृति एवं भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ का जमना, मोमबत्ती का पिघलना आदि। क्लियर बात। मैं इसलिए यहां पे लिख दिया हूं ताकि आपको कोई भी तरीके का दिक्कत ना हो। नेक्स्ट आता है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसा अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन हो जाता है, और इस परिवर्तन के दौरान एक नया पदार्थ आपको मिलेगा, और जो नया पदार्थ मिलेगा उसका गुण पहले वाले पदार्थ से अलग रहेगा। जैसे मान लो कि आपके पास दूध है और अब आपको खाना है क्या, दही, दही खाना है। अब दही खाने के लिए आप दूध से दही बना दिए, ठीक, तब तक कोई दूसरा आ गया घर में और बोला कि ठंडी का मौसम है हम दही नहीं खाएंगे, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगा। अब बच्ची क्या करोगे, अब दही से तो तुरंत दूध बनाओगे नहीं, मामला फंस जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या आप देख रहे हैं कि जो आपका एक चीज से दूसरा चीज बना हुआ है वो वास्तव में अब फिर पुनः नहीं चेंज हो पाएगा, मतलब दही से दूध नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके का जो परिवर्तन रहेगा उस परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, उस परिवर्तन को हम लोग बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। जैसे मोमबत्ती का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन था, मोमबत्ती पिघलने के साथ साथ मोमबत्ती जलता भी है। तो मोमबत्ती जब जलता है तो क्या होता है, वो गैस के फॉर्म में चला जाता है। अब गैस के फॉर्म में चला गया तो फिर इसके बाद अब गैस को इकट्ठा करके तो मोमबत्ती नहीं बनाओगे,
तो मोमबत्ती का पिघलना तुम्हारा भौतिक परिवर्तन है, लेकिन अगर वास्तव में हम लोग माने तो मोमबत्ती का जो जलना है ये तुम्हारा भौतिक परिवर्तन नहीं है। समझे बात। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग दें तो जैसे कि एक बार एक छोटा सा एग्जांपल, एक लड़का था वो अपने पापा से पूछता है कि पापा अच्छा ये बताइए कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो पापा बोले मोबाइल दिया दो तनिषा, तो बोला कहे दे, तो क्या किया गुस्सा उसके पापा बहुत ज्यादा दिला दिए उसको, मोबाइल फेंक दिया। तो उसके पापा बोले कि बच्ची यह जो फेंके हो अब इसका जो पार्ट पार्ट अलग हो गया है ये तुम्हारा भौतिक परिवर्तन है। अब पार्ट पार्ट अलग हो गया तो सब मोबाइल यहां पे लाओ, तो मोबाइल वहां पे लाया। अब पापा क्या किए उस मोबाइल पे मट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दी। अब पूरा मोबाइल क्या हो गया, जो उसमें चीजें थी जलने लायक वो तो जल के खत्म हो गई और कुछ चीजें तुम्हारी बची रह गई, मैक्सिमम पार्ट जल के खत्म हो गया था। तो जो पार्ट जल के खत्म हो गई तो पापा बोले कि जो तुम किए थे वो भौतिक परिवर्तन था और जो हम किए वो रासायनिक परिवर्तन है। तो लड़का एकदम अच्छी तरीके से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन समझ गया। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का, भौतिक परिवर्तन तो आप लोग समझ चुके हो, रासायनिक परिवर्तन का एक बार फिर से हम लोग परिभाषा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं गुणों में परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक संगठन एवं गुणों, रासायनिक संगठन का मतलब क्या है, रासायनिक संगठन का मतलब भी है, सीधे सीधे एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास एसिटिक एसिड है और यानि OH है, तो उस कंडीशन में आपका एसिड और बेस आपस में जुड़ करके क्या बनाएंगे, साल्ट बना देंगे, लवण बना देंगे। तो लवण का जो क्वालिटी होगा, लवण का जो गुण रहेगा वो अम्ल के और क्षार के गुण से क्या रहेगा, अलग रहेगा। वो अलग क्यों हो गया, क्योंकि यहां पे इनका जो रासायनिक संगठन था वो क्या हो गया, चेंज हो गया, और रासायनिक संगठन चेंज होने की वजह से उनका जो गुण है वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया। अब रासायनिक परिवर्तन के दौर में एग्जाम्पल अगर हम लोग देखना चाहें तो मोमबत्ती का पिघलना देख सकते हैं, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना क्या है, लोहे में अगर जंग लग जाता है तो लोहा धीरे धीरे खत्म होने लगता है, तो ये भी तुम्हारा एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन है, ठीक ना। और प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। तो भोजन बन गया, प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। नीचे एग्जांपल कहीं पे लिखवाए होंगे हम लोग प्रकाश संश्लेषण का, देखो यही है, कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ के थ्रू क्या लिए, वाटर ले लिए, तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन देता है, यह ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक ना बात। तो ये तुम्हारा रासायनिक परिवर्तन भी समझ चुके हो गए आप लोग। अब रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसमें जो पदार्थ रहता है उस पदार्थ की आकृति और अवस्था में तो परिवर्तन होती है, इसमें कोई डबल राय नहीं है। सेकेंड चीज है कि पदार्थ का जो चेंज होता है ये एक तरीके का स्थायी रिएक्शन है। स्थायी रिएक्शन कहने का मतलब क्या है, अब जैसे तुमको मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि अगर दूध से तुम लोग दही जमा रहे हो तो दही से तुम लोग दूध नहीं बना पाओगे, या दूध से पनीर बन गया तो पनीर से फिर दूध नहीं बनेगा, अगर बन जाएगा तो फिर बताना, हम बता देंगे इसको पहला वाले एग्जाम्पल में रख देंगे, लेकिन अगर नहीं बना तो तुम लोग को इसको दूसरा वाले एग्जाम्पल में रखना है दिमाग में, बस ध्यान में क्या रखना है, जो चीज आप बना रहे हो उससे अगर पहलका वाला पदार्थ बन गया तो समझ जाओ ये जो अभिक्रिया है ये तुम्हारी रासायनिक परिवर्तन नहीं है, अगर नहीं बन पा रहा है तो रासायनिक परिवर्तन है, क्लियर बात। अब ये जो अभिक्रिया होती है वो केवल एक दिशा में होती है, मतलब इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे अनुत्क्रमणी, क्योंकि ये एक दिशा में हो रही है, दूसर के दिशा में नहीं आ रही है। मतलब दही से अगर आप लस्सी बना दोगे तो लस्सी से फिर दही नहीं बनेगा, ठीक ना, देखो मामला तुरंत पलटे हम, अभी तक क्या कर रहे थे, दूध से दही बना रहे थे, अब दही से लस्सी बना दिए, तो लस्सी से फिर दही नहीं बनेगा, ठीक है बात। अब आगे हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या उससे अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थों के भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों से अलग रहता है। रासायनिक अभिक्रिया बहुत इजी शब्द है, केमिकल रिएक्शन,
रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है, इसमें केमिकल जो रहेंगे, जो रासायनिक तत्व रहेंगे या जो रासायनिक पदार्थ रहेंगे, वो क्या करेंगे, आपस में अभिक्रिया करेंगे और आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बना देंगे। अब जो नया वाला पदार्थ रहेगा, उस नए वाले पदार्थ की पुराने वाले पदार्थ से जो गुण रहेगा वो पूरी तरीके से अलग रहेगा। जैसे आपको क्या करना है, आपको तो चाय की एग्जांपल लेंगे तो चाय में दूध पड़ेगा, अदरक पड़ेगा, पानी पड़ेगा और चीनी पड़ेगा, ठीक ना, और कुछ तुम लोगों को चाहिए तो डाल सकते हो। तो इन सभी चीजों को मिलाएंगे तो चाय बन जाएगा। अब पानी का अगर आप लोग अलग से टेस्ट करिए, दूध का अलग से टेस्ट करिए और चीनी का अलग से टेस्ट करिए और चाय को अलग से टेस्ट करिए, तो चाय का जो गुड़ रहेगा वो अलग रहेगा, चीनी का अपना अलग गुड़ रहेगा, पानी का अलग गुड़ रहेगा। तो इन चीजों को अलग अलग मिक्स करने पे चाय बना, ठीक। तो जो मूल पदार्थ थे वो तुम्हारे मूल पदार्थ क्या थे, मूल पदार्थ जो थे वो पानी थे, चीनी थे, अदरक थे, दूध थे। लेकिन जो आपका नया पदार्थ बना है वो तुम्हारा क्या है, चाय है। तो चाय का जो गुड़ रहेगा वो इन चारों चीजों के गुड़ से क्या है, अलग है। तो ये जो अभिक्रिया हो गई वो एक तरीके की रासायनिक अभिक्रिया हो गई और इसी को लिख देंगे प्लस 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 लिख के, तो हमारा रासायनिक समीकरण हो जाएगा, समझ गए। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या उससे अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुण मूल पदार्थों से अलग रहता है। जैसे एग्जाम्पल में दहन, दहन का मतलब किसी चीज को जलाना, किसी चीज को जलाना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दहन बोलते हैं। जैसे कोयला है आपके पास, अब कोयला ले लिए, अब उसको जला दिए, कोयला जला देंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और ऊर्जा निकलेगी। ऊर्जा का मतलब वो आपको प्रकाश देगा, गर्मी देगा। तो एक तरीके का प्रकाश और जो गर्मी या जो ऊष्मा होती है वो क्या होती है, ऊर्जा की फॉर्म होती है। तो कोयले को जला दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका ऊष्मा और प्रकाश निकल गया। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे अगर आप सिंपल सोचिए तो कोयले को जलाएंगे तो राख मिलेगा, राख मिलेगा ना। अब राख से तो फिर तुम्हारा कोयला बनेगा नहीं। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन होती है उसमें आपका मूल पदार्थ से पुनः जो आपका दूसरा पदार्थ रहेगा उससे पुनः मूल पदार्थ नहीं मिल पाएगा, ठीक। प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण का एग्जाम्पल आपको दिखाई दे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का जब अभिक्रिया होती है पेड़ के अंदर तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। नेक्स्ट है जंग लगना। जंग लगना का मतलब जो हमारा वो रहता है लोहा रहता है, लोहा अगर पानी के कॉन्टेक्ट में आता है तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे जंग लगने लगता है और जो लोहा रहता है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो ये भी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। अब दहन का एग्जाम्पल हम लोग कार्बन है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दिए, कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा मिल गया। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में भी कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अभिक्रिया करा दिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल गया। ये सब छाप लेना तुम लोग। फिर हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करोगे। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान में क्या होती है, अवस्था में परिवर्तन होती है। अवस्था में परिवर्तन का मतलब ठोस से द्रव में चेंज हो गया, द्रव से गैस में चेंज हो गया। तो इस तरीके की परिवर्तन आपको रासायनिक अभिक्रिया में देखेगी। जैसे मैंने क्या बताया था, मोमबत्ती को जला दिए तो मोमबत्ती क्या थी, ठोस थी। अब ठोस से वो किस में हो गया, ठोस से वो चेंज हो गया गैस में। या अगर आपके पास बर्फ है, बर्फ है, अब बर्फ को क्या कर दिए, गला दिए तो किस में चेंज हो गया, पानी में। अभी बताओ कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक ना, पागल मत बनना। इसमें जो पानी वाला एग्जाम्पल है तुम्हारा भौतिक परिवर्तन है। अवस्था में और एक एग्जाम्पल देख सकते हो, अवस्था में जैसे कि अगर आप देखो तो दूध क्या है, एक लिक्विड स्टेट में, लेकिन जो आपका पनीर बनता है वो क्या है, सॉलिड स्टेट में। तो लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो गया। तो इस तरीके से अवस्था में परिवर्तन। नेक्स्ट है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन का मतलब अगर आपके पास जैसे कि वाटर है, वाटर में आप कोई रंग कलर कर देते हैं तो वो तुम्हारा, या किसी भी बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें आपका कलर में चेंज हो जाता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन। जैसे कॉपर सल्फेट का अगर हम लोग जिंक से के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो सॉल्यूशन बनकर तैयार होता है वो नीले रंग का बनकर तैयार होता है, ठीक ना। तो वो रंग में चेंज हो जाता है। गैस का निकलना, गैस का निकलना भी एक तुम्हारा क्या है,
रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक ना, गैस का निकलना। जैसे आप यहां पे जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं तो ऊष्मा और गैस ही तो निकल रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे वो तो गैस ही है ना, तो गैस भी निकल रहा है इसमें। फिर नेक्स्ट क्या है, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन का मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो आप रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें और जो तुम्हारा नया पदार्थ बन के तैयार हुआ, दोनों के टेम्परेचर में क्या है, अलग हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि आप अगर अमोनिया का फॉर्मेशन कराओगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के थ्रू जो अमोनिया बनेगा, उस अमोनिया के टेम्परेचर में और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो टेम्परेचर रहेगा, दोनों में चेंजिंग आपको मिलेगा। अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण का मतलब बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें तुम्हारे अवक्षेप का फॉर्मेशन होता है। अवक्षेप क्या होता है, जैसे आप अगर दूध देखी होगी तो दूध जब गाय के थ्रू निकलता है तो वहां पे क्या होता है कि उसके ऊपर कुछ गाज जैसा आ जाता है, तो वही गाज एक तरीके का जो रहता है वो एक तरीके का अवक्षेप है, वो एक तरीके का क्या है, अवक्षेप है। जैसे अगर अगर आप क्या करते हो, वॉशिंग पाउडर को पानी के अंदर डालते तो पानी के ऊपर आ जाता है ना, तो वो तुम्हारा एक तरीके का अवक्षेप है, उसको आपको छानना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें आप जो दो लिक्विड को जब ऐड करोगे तो उसमें आपका अवक्षेप का फॉर्मेशन होगा, ठीक ना, जो गाज होता है उस तरीके का, ठीक। या साबुन को लगाते तो तब भी तो होता है, तो वो तुम्हारा अवक्षेप हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो उसमें ऐसा ऐसा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया समझ गए क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी तत्व या यौगिक रहते हैं उनकी अगर हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो जो पदार्थ बनता है वो पदार्थ के गुण मूल पदार्थों से अलग रहते हैं। अब जो अभिक्रिया हो रही है उसमें जो तत्व और यौगिक हम लोग यूज किए हैं, उस तत्व और यौगिक के जगह पे या उस तत्व और यौगिक के नाम के जगह पर हम लोग कुछ चिन्ह का या जो प्रतीक रहेगा उसको अगर हम लोग प्रदर्शित करेंगे तो वो हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि यहां पे अगर हम लोग देखें रासायनिक समीकरण को, तो यहाँ पे अगर हम लोग सी प्लस ओ टू प्लस सीओ टू प्लस एच टू ओ है तो ये हमारा एक तरीके का रासायनिक समीकरण है। ये हमारा क्या है, एक तरीके का रासायनिक समीकरण है। और ये जो चीज है जो मैंने हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये तुम्हारा क्या है, उसका प्रतीक चिन्ह है। तो इसको लिख के, इसको न लिख के इस फॉर्म में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, क्योंकि ये कार्बन को सी से लिखते हैं, ऑक्सीजन को ओ टू से लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सीओ टू से लिखते हैं। तो ये तुम्हारा जो क्या हो गया, ये नाम के फॉर्म में हो गया और इसके चिन्ह के रूप में हो गया। तो इसी नाम को इसी चिन्ह के फॉर्मेट में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर बात। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों एवं बनने वाले पदार्थों को उनके सूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में प्रतिस्थापित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक एवं बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि चाय जो बन रहा है उसमें चीनी पानी दूध अदरक ये सब चीजें यूज हो रहे हैं, तो ये तुम्हारे जो यूज होने वाले पदार्थ हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक। और जो पदार्थ बन के तैयार हो रहा है उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पाद। ठीक। तो जो अभिकारक रहेंगे उसको हम लोग अभिक्रिया के बाएं तरफ लिखते हैं और जो उत्पाद रहते हैं उसको हम लोग अभिक्रिया के दाएं तरफ लिखते हैं और बीच में एक हम लोग तीर लगा देते हैं। और यहाँ पे जो एक त्रिभुज जैसा शेप देख रहे हैं इसका मतलब क्या है, मीथेन और ऑक्सीजन को गर्म किया जा रहा है, उसको जलाया जा रहा है, मीथेन को जलाया जा रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज क्या होता है, कोई भी चीज अगर जलता है तो वहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी तभी वो चीज जलेगा, अदरवाइज वो चीजें नहीं जलेंगी। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन उसके पहले क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी तो लिखेंगे आप लोग, ओके स्क्रीनशॉट ले लिए। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए तो दोबारा बोल रहे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और डेली टू डेली आपको आपसे रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो जरूर मिलेंगी। तो वीडियो को देखिए और आप लोग एंजॉय करिए और अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।